वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। देवता ना काठ की मूर्ति में ना मिट्टी की, देवता भावना में विद्यमान है। और जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। और सच पूछो, मैं जब भी सोनिया जी के सामने खड़ा होता हूं, कल कुर्सी भी लगाई थी लेकिन मेरी घुग्गी पोस्ट हो जाती, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं पारस, और सोनिया जी का कोई तोल नहीं कोई मोल नहीं। अंबानियों ने पैसे बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई, यह सत्य है। और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती। सिकंदर हो तुम, सिकंदर जिताने वाले सिकंदर, अलख जगाने वाले सिकंदर। अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलख जगा दो। स्वाभिमान वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गिर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। स्वाभिमान जग गया तो कांग्रेस जीत गई। मेरा तेरा छोड़ दो, छोटे छोटे तिनके अगर इकट्ठे हो जाएं तो छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। छोटी छोटी घास की पत्तियां, छोटी छोटी घास की पत्तियां गूंथ लो तो रस्सी बना के मतवाला हाथी बांध लो। अरे चिड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो शेर की खाल खींच सकती है, तुम तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो। प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता है, एमपी एक्स हो सकता है, एमएलए एक्स हो सकता है, लेकिन दोस्तों कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। कार्यकर्ता इस पार्टी का जान प्राण और पहचान है। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो, कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे। ये तय है, ये तय है। Thank you.